the man responsible of making me an actor is Shah Rukh Khan. This, for this crime, he should not be forgiven. But he did it for a good sense, being grateful to me for something which I did it for myself, not for him. But he took it for himself. Very nice man, very good man, loving man. He used to touch my feelings, he respected me very much. But I broke off that relation on my own completely, because I don't want to be an actor, I want to be a director. He could not be any help to me. And मैंने छोड़ दिया, रह गया, क्या फैसला था मेरा, कैसा था, मैंने छोड़ दिया. बाकी if I am anywhere, I am because of my wife. Most illiterate woman, she could read only Hindi ke आखा खाखा जानता था, जानती थी, और सात सुर वो हारमोनियम को बजा लेती थी. शायद मेरे से एक साल बड़ी, लेकिन हुआ यूं, यहाँ तक पहुँचा कैसे मैं. पाकिस्तान बनने से पहले मैं पृथ्वीराज का नेफ्यू और फकीरचंद का बेटा करके मेरा, मेरी तीन चार मंगनियाँ हो गई, ख़त्म हो गई. मेरे बाप को दूसरी अच्छी लग गई, कोई उधर को अच्छा लग गया, मेरी माँ को कोई अच्छा लगा, कि सब चलता रहता. कि मंगनियाँ नहीं हुई, नहीं थी, फिक्स नहीं हुई थी, पर ये सब चलता रहा. यहाँ आ गया बॉम्बे, यहाँ बॉम्बे आए थे, बड़े फिल्म डायरेक्टर थे, बड़े तगड़े नामचीन. उनकी नीस कहीं बर्मा से आई, लुट पुट के आए वो फैमिली, उनका उनके बहनोई की डेथ हो चुकी थी. तो उन्होंने अपनी मंगनी, मैं उस उनकी बेटी ने नीस का टीचर था, मैथ सिखाता, पड़ोस में ही रहता था. तो करते करते उनको मेरे को ख़ास नहीं लगी. अब कोई भी एक्टर, कोई भी फिल्म वाला होता ना, वो आउट लड़की लुड़की हो जाए तो नहीं, बाजू में बाज नहीं आता कोई ना, हरकत सोचते बुरा, अच्छा ये बुरा सोचते, कुछ नहीं, बाज नहीं आता. कोई भी हो, कोई भी हो, आई डोंट से एनीथिंग, कोई कुछ बुरा करे या ना करे, बट मैं सोचता ज़रूर है, मैं नहीं सोचा. एक दिन उनका मैसेज आया, उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू गेट यू एंगेज टू माई नीस. मैं जी, मैं फैसला करने वाला कोई नहीं, फैसला तो पृथ्वीराज कपूर करेंगे. कहने मैं फिर उनसे मिलने जाऊँगा, बात मेरी टाइम तय कर दे, मैं जाता हूँ बात करने. मैंने उनसे पापा जी से कहा, पापा जी ऐसे ऐसे कर, मैं रहता कहीं और था, पापा जी ऐसे एक लड़की, कहते लड़की वाले क्यों हमारे घर आएंगे, आई विल गो टू देयर हाउस. वो आए, फिर उन्होंने तय कर दिया, लड़की उनको अच्छी लगी, तय हो गया. तय जब मंगनी जिस दिन हुई, बड़ा बाजा गाजा बजे, तो पहुँचे, जो लड़की देखी तो मैं ही गश खा गया. वो पहले बर्मी ड्रेस में थी, आज वो पंजाबी ड्रेस में, तो गुत कितनी, तो आई वॉन्ट नॉट वेरी प्रिटी. अब मैंने कहा, और उस नेक्स्ट डे उन्होंने, उसके मामा ने कहा कि तुम इससे मिल नहीं सकते, अब तुम मिलोगे तो मंगनी तोड़ देंगे. पर मैं क्या यार, मैं तो बाजू में रहता था, गली तो हुई थी, तो भी देखता था. पीछे उनके क्राइस्ट का स्टैचू था उनके घर के पीछे, वहाँ कैंडल चलाने जला जाता था ताकि उस बहाने शायद मिल जाए, दिख जाए. खैर फिर चिट्ठी आई उनकी, देन वी स्टार्टेड ऑन द मी सी आई, देन वी फेल इन लव विद ईच अदर. देन मामा को पता चला, उन्होंने मंगनी कैंसिल कर दी, मंगनी कैंसिल कर दी. फिर डिसाइड किया कि हम बात चलें, हम एलोप करने वाले थे. मिसेज राज कपूर एलोप करने, राज साहब ने मेरी टिकट बुक कर दी और मेरे को बुक कर दिया कि यू गो टू चंडीगढ़. वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस सुपरिटेंडेंट पुलिस है, उसके घर मेरे को पक्का कर दिया. वहाँ कोई तेरे को पकड़ेगा नहीं, पता नहीं, तुम लड़का लड़की वहाँ दोनों भाग जाओ. मैं 2 बजे की भागना था ना, 4 बजे भागना था, 2 बजे घर पे हम सब इकट्ठे हुए. 2 बजे इकट्ठे हुए तो राज साहब, मिसेज राज कपूर चंबूर में मटुंगा में थी, उनको पता चला कि वहाँ को राज साहब तबीयत घर आए हुए हैं, दारू भी उन, वो घर आ गई, वो समझी कि राज साहब की तबीयत ठीक नहीं है. क्या लगा, उन्होंने कहा लेख भाग रहा लड़की के साथ.
हमने बंदोबस्त कर दिया इसका, जो जूता पड़ा मैं को, जो डांट पड़ी राज साहब को, कल आपकी बेटी भाग जाए तो क्या करेंगे आप, आपकी इज्जत रहेगी क्या? आपको अकल की बात करो, करना जाके उसके मामा से बात करो कि वो मंगनी ना तोड़े, कुछ उल्टा तरीका सोच रहे हैं आप। फिर सोचते ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की आदत होती है, तो फिर बात मेरी टूट गई मंगनी, मैं भी वो बेचारी खड़ी रही, मैं घर में बैठ गया, वो शी वॉज वेटिंग फॉर मी कि मैं उसको पहुंच के आई टेक टू द एयरपोर्ट एंड गो फ्लाई फ्रॉम देयर, वो वहाँ खड़ी रह गई। खैर कुछ साल बाद मेरी वाइफ मदर ने कहा कि तेरी मंगनी करते हैं, मंगनी करने, तो मैंने कहा मुझे देखनी नहीं लड़की, जितनी यहाँ करते हो कर दो, आई डोंट वॉन्ट, मुझे कोई लड़की नहीं देखी, जो फीस करोगे मुझे पसंद है। ओ वो लड़की मैं चंडीगढ़ में बम्बे दिल्ली सेंट्रल कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट था, होटल था, कॉन्टिनेंटल होटल क्या नाम था, उसमें मैं ठहरा हुआ था क्योंकि मैं शूटिंग करने जा रहा था। तो वो लड़की वाले आ गए, मैं जी मुझे ये नहीं देखना, जो मर्जी कर दो, हो गए। मैं मंगनी होने लगी, जब मैं शादी में देखा उसको लड़की को बैठे, मैं माथे पे हाथ मारा, मेरी मातमारी देख लेता तो अच्छा था, इससे शादी तो ना करनी पड़ती, अब करनी पड़ी, अब टूट भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाप वी आर द ओल्ड वैल्यूज, आई कॉन्ट इंसल्ट माई पेरेंट्स, अब तो मुझे निभानी पड़ेगी। आई भर में तो उसी दिन राज साहब कहने, आप यहाँ ऐश करोगे कि एडिटिंग भी चलोगे, मैं जी मैं एडिटिंग चलो, मैं एडिटिंग चल पड़ा, मैं उनको मिलूँ ही ना, मेरी बातचीत ना हुई लड़की, मतलब माई वाइफ को बातचीत ना हुई, वो साहब वो तंग आ गई, 3 महीने एडिटिंग चलती थी, फोटो उठी, हम घर ही नहीं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया शी वॉन्ट्स टू गो बैक टू बॉम्बे, दिल्ली मैं जाई, मैं फट कर दी तैयार, चली गई दिल्ली, दिल्ली चली गई। दिल्ली से के बाद 2 महीने के बाद मेरी मदर का टेलीफोन आया, इफ़ शी इज़ कमिंग बैक, इफ़ यू बिकेम रूड, इफ़ यू डिंट रिसीव प्रॉपरली, यू रिमेंबर वन थिंग, व्हेन आई कम टू दिल्ली आई एम गोइंग टू बीट यू अप। अगर नहीं माता जी, मैं डर गया, मेरी मदर को ऐसी जबान नहीं बोलती थी। आया लेने गया, देख के आया तो क्या, मैं कह तुम मैं चलता हूँ, कह रहे थोड़ी देर ठहर जी खाना खा के जाइए, मैं कह भाई यार मैं जाता हूँ वहाँ काम वहाँ खा लूँगा, खा नहीं खाना खा के जाइए ना, मैं तो हमने बना के खाना बनाया। मैंने पूछा मेरी माँ कहाँ है, मैं फर्स्ट रिएक्शन कभी नहीं, वो तो नहीं आई, मैं खाना मेरी माँ का तुमने नहीं बनाया, कह रहे नहीं तुम वहाँ से लाइयो दीदी से, कह रहे नहीं नहीं मैंने अभी आपके सामने तो बनाया। दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ रोमांस That started, and एक दिन वो मेरे अमरपाली की शूटिंग चल रही थी, तो ड्राइवर मेरा रशीद था, वो रशीद कहना अंदर आ, मैं क्या हुआ रशीद, कहना भाभी जी आई, मैं कहाँ हैं, भाभी जी तो बाहर हैं, मैंने कहा रशीद कहने का भाभी जी हैं, मैं चल पड़ा बाहर को, बाहर गया तो गाड़ी में बैठी स्टूडियो के कंपाउंड के बाहर, मैं क्या हुआ कोई गड़बड़ होगी, कहता होगी, मैं क्या हुआ, कहता आप बहुत बदकिस्मत हो कि आपकी शादी मुझसे हुई, वो लड़की को आज मैंने देखा, क्या खूबसूरत लड़की है, क्या सेंसिबल लड़की है, आपकी हो जाती शादी, तो मैं लकी जो मेरे आप मेरे पले मैं आपके पले पड़ गई, आप मेरे पले पड़ गए, अब रोएंगे सारी जिंदगी, लेकिन वो लड़की कमाल है। मैं थोड़ी देर मैं भी सोच किया अब तो कुछ हो नहीं सकता, मैं मन में सोचा उसने तो नहीं कहा मैं अपनी वाइफ को डॉ साहब उस शी स्टार्टेड कीपिंग, उन्हें कहा मैं 40 मंडे के फास्ट रखूंगी जब तक इसकी शादी नहीं होती, 30वें फास्ट पे उसकी शादी होगी, देन ऐसे ना तो स्टॉप बंद कर दें। एक दिन एक फंक्शन था, फंक्शन में गए तो धर्मेंद्र साहब आए थे, मैं स्वर्ण में 2 मिनट धर्मेंद्र जी को मिल के आता हूँ, मैं वहाँ से खड़ा हूँ धर्मेंद्र जी के पास, बहुत क्राउड फंक्शन थी, क्राउड तो क्रिसमस थी, होटल के अंदर क्राउड था, तो मैंने देखा मेरी वाइफ के पास एक अंग्रेज बातें कर रहा, मैं कहा मर गए मेरी बीवी तो बात ही नहीं कर सकती, उसको अंग्रेजी आती नहीं है, तो भागा ताकि उसकी मदद करूं,
जब मैं पहुंचा तो देखा तो मेरी बीवी अंग्रेजी बोल रही है एंड वो आदमी रो रहा है. शी सेड मीट माय हस्बैंड, कहते माय सिस्टर इज डाइंग ऑफ कैंसर इन लंदन. देयर वाज अ फिल्म यूनिट ऑफ कमन सम अमेरिकन ब्रिटिश फिल्म देयर वाज शूटिंग हियर. तो उसका प्रोडक्शन मैनेजर था, उसने कहा शी जस्ट लुक्स माय सिस्टर हु इज डाइंग ऑफ कैंसर एंड टुडे इज क्रिसमस वी हैव टू गेट टुगेदर देयर शी इज वेटिंग एट माय हाउस एंड आई एम सी माय सिस्टर हियर एंड आई हग हर. दे हग दी सर मैं गया चला बेचारा रो रो के. मैंने पूछा तुमको अंग्रेजी कहाँ से आ गई? खनगी आप जाते हो तो बच्चे ट्यूटर आता है ना अंग्रेजी बच्चों को पढ़ाने, तो मैंने भी वहाँ से क्लास ज्वाइन कर ली, मैं भी अंग्रेजी वहाँ से सीख रही. शी लर्निंग नॉट इन डे की बात नहीं है, शी लर्निंग इंग्लिश फॉर इन द डे टाइम आई एम नॉट एट होम इन माय ऑफिस बट शी हैज लर्न इंग्लिश बाय द टाइम इन थ्री इयर्स शी लर्न. हो गया ये भी हो गया. और जो कमाल की चीजें उनकी बहुत सी हैं, कह लगे कि मैं बर्बाद हो गया, मेरे पे इंटर अटैचमेंट के नोटिस आ गए, मुझे घर बेच के लोगों को पैसे देने पड़े. आई सोल्ड माय हाउस रिप्लेस द मनी विद द लॉयर जो डिवाइड करने कर लो करके मैं एक मकान बांद्रा ईस्ट में अपने किराए पे दे दिया. वहाँ रहने लगा, वहाँ रहने लगा. एक रात को 12-1 बजे एक आदमी, 1 बजे बेल बजनी शुरू हो जाती मकान की, एक आदमी आ जाता दरवाज़ा खोला. मैंने जाके मैं कहा ये क्या है क्या है? मैंने को उसको पहचान ही नहीं, अंधेरे में क्या पहचान. कह रहा साहब आप किधर हो? टंडन साहब. मैं कह जी हमें टंडन साहब हूँ. कहना आपने मेरा 45,000 रुपये दिया, मैंने हुंडी पे पैसा दिया था आपको, मैं चला गया सिंगापुर और अभी मेरी एड्रेस आपका पता है, अभी पता लगा मेरी हुंडी तो दीवार होगी, मैं तो मर गया ना. मैं कहा आइए भाई साहब. मेरी वाइफ ने कहा भाई आप अंदर आइए पानी पीजिए चाय. उन्होंने चाय बना के दी, कुछ खाने को दिया. उन्होंने कहा नई हुंडी लाएँ आप. मेरी वाइफ ने कहा मेरे को ये गुस्सा है कि ये 100 दिन हो गए हुंडी को, ये इसकी क्या हिम्मत के मुझे कल पैसा नहीं देना पड़ेगा. अगर दीवार होगी हुंडी तो मुझे पैसा, आई डोंट हैव टू पे. मेरे को ये 45,000 बच गया ना देना पेमेंट करनी. मेरे को बड़ा है गुस्सा, मैंने कहा बोला मेरे को आंग रहा है. कह रहे क्यों इसके पैसे ठीक नहीं है क्या? इसके पैसे पैसे नहीं है, ये लिख के दो जो भी होगा अपने वकील से, आप जो पैसे आपने डिपॉजिट वहाँ से अपना हिस्सा ले लेंगे. मैं चुप करके साइन कर दिया हुंडिया, वो चला गया. मैंने तुमने ये चौप पैसा पैसा होता है, ईमानदारी को सब आगे फलेगा, सब ठीक हो जाएगा आपका, देखिए तो सही. 2 बजे वो आदमी फिर आ गया. अरे मैंने कहा आप तू क्या कहता है यार, तेरे को हुंडी साइन करके दे दी. कहना नहीं ये मैं वापस करने, उन हुंडियाँ फाड़ दी. कहता बहन जी आपका बहुत शुक्रिया, जब हो दे देना, मुझे नहीं चाहिए. आप कैसी अच्छी औरत हैं, अच्छी देवी हैं, मैं आपकी बात मानता. मुसीबत पड़ गई मेरे 45,000 देना पड़ा अल्टीमेटली. बट दैट वॉज शी. कितना कहूँ छोटी छोटी बातें जिंदगी में. मल्ला छोड़ा, एक एक घर जाके पहुँचे. आपको देना, हमको भी देना, हमको कुछ करना है. सबके पैसे लौटा के, हर दुकानदार के पैसे दे के. एक औरत मिली थी, उसने मेरे को आज भी मिलता है, वो जिंदा है, जी करता उसको जूते जाके मारूं. उसको मेरी वाइफ को मेरी सहेली थी उसकी, उसे कहने लगी कोई बात नहीं बर्बाद हो गए तो क्या हुआ, जब फिर ठीक ठाक हो जाओगे तो हम फिर आप मिल बैठेंगे. देन यू गेट योर मनी बैक, स्टेटस बैक, विल अगेन टॉक टू यू. अरे बिकॉज योर फ्रेंड यू आर नॉट टॉक टू अस बिकॉज देयर इज नो स्टेटस, आई हैव लॉस्ट मनी. शी सेड नो डोंट वरी, जो उनका है उनको मिलेगा, जो तेरा था उनको मिलेगा. वाई यू हैव स्टिल बट यू स्टॉप टॉकिंग टू दैट फैमिली फॉर एवर आफ्टर दैट. बट शी वॉज अगेंस्ट इट. नहीं बोलो क्यों बोले, बोलना क्या अगेन क्या क्या याद करूँ. मेरी वाइफ बीमार हो गई तो वी पुट इन टू द हॉस्पिटल. अच्छा कमरा, अच्छा सब कुछ, बड़ा अच्छा नहीं. एक बार दो बार थर्ड टाइम ने सेट कि हर हार्ट प्रॉब्लम है कुछ, तो एक डॉक्टर अमेरिका से आया, उसका फिर हमने अपॉइंटमेंट दी और जाके उसका ऑपरेशन किया. वो डॉक्टर बड़ा ही खुश,
कहता मेरे 60 साल हो गए मेरे प्रोफेशन को, मैं इतना बुढ़ा हूँ, मैंने पहली बार ऐसा पेशेंट देखा है कि जो हंस रहा है, हम रो रहे हैं वो हंस रही थी, हो गई ठीक, घर आ गए। अब मैंने घर आ गई दो चार दिन ऐसे बैठे, मैंने कहा सुन अब चलो दिल्ली चलेंगे। क्या दिल्ली क्या है, डैडी है वहाँ? कहती नहीं, पापा आपके पापा हैं वहाँ? कह नहीं, मम्मी है? मैं नहीं। कहते मैं क्या, तेरे तो भाई के बच्चे हैं ना, उनको जा मिल जाने, उनको क्या मिला मैंने, अपनी ये सब यहाँ है। ठीक है, नहीं आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपका सीरियल की शूटिंग है वहाँ, वो रुकी हुई है। मैं क्या, हाँ हंस पड़ी, कोई बात नहीं। सुबह उठे, उस दिन राखी थी, तो मैं बाथरूम से ऐसे नहा के बाहर निकला तो सामने इससे बिस्तर पे लेटी हुई थी, शी इज नेवर डन दैट, शी हेल्ड माई हैंड एंड पुट इट लाइक दिस, शी नेवर डिड, वी नेवर, वो एक अजीब से जेस्चर होते हैं, वी नेवर डिड बिटवीन अस, ऐसे करके। मैं कि क्या हुआ सवाल, हंस पड़ी। गीता को बोला, मेरी ये डॉटर, गीता को बोला, वो आप समझिए कि मैं यहाँ हूँ तो इस जैसे पीले शीशे के कुर्सी के पीछे खड़ी है, तो मैं वहाँ बाहर गया भी तो उसको बुलाने, दीवार थी, दीवार छा गया तो वो इधर आई, मैं उधर गया तो शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, पापा मम्मी गई, मैं आया गंगा जल मुँह में डाल रहा, तो कहती सीरियल नहीं कर रहा। Because it is becoming very tough for me, the lifestyle of serial making. Because पहले 25 बनाते थे, 28 बनाते थे, 24 बनाते थे, फिर लैंडमार्क्स दम सीरियल शुरू हुए, 104 204 चलने शुरू हो गए। It became very tough to work day and night and deliver 6 and 7 serials in a week. Well, not for me. But I was giving it. But she said, no, you will not do it. मैंने सीरियल ही छोड़ दी। That day I took care.